जिससे पढ़कर बीस हजार से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत दो हजार 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एस एस मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है दो हजार में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है बीस हजार ज्यादा बच्चों की जिंदगी तो अब है आपकी बारी अब आइए सी जी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला चादोई बैच फौजी बैच मात्र तीन सौ निन्यानवे रूपए में तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एस एस सी मेकर का फौजी बैच और करे एस एस सी जी डी में अपने सिलेक्शन को पक्का अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एस एस सी मेकर ऐप डाउनलोड करें नमस्कार तो साथियों कैसे आप सभी मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कैसे आप सभी मैं उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके महत्वपूर्ण जो कॉन्फ्रेंस है वहां से क्वेश्चंस कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हैं जो हमने आ, पढ़े थे उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है भाई चलिए तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में आर के कार्यकारी निर्देशक किससे बनाया गया मनोरंजन मिश्रा को शक्तिकांत दास को माइकल डी पात्रा को या फिर इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आपका हो जाएगा ए यानी कि जो मनोरंजन मिश्रा हैं इनको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है RBI का जबकि अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे गवर्नर हैं ये हैं शक्तिकांत दास ध्यान रखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हाल ही में किस शहर में प्रवासी परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भारत के बारह राज्यों ने प्रतिभाग किया था लंदन है होंगकोंग है रियाद है फिर न्यूयॉर्क है तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो जाएगा डी तो यहाँ पर प्रवासी परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें भारत के बारह राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने प्रतिभाग किया था तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर डी हाल ही में कश्मीर शिक्षा पर दो दिवसीय सिकारा उत्सव का आयोजन कहां पर हुआ तो यहां पर चार ऑप्शंस आपको दिए हैं श्रीनगर लेह नई दिल्ली या फिर बारामूला ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हो जाएगा डी यानी कि बारामूला में कहां पर बारामूला में ये आयोजन किया गया है किसका ये सिका कश्मीर पे शिक्षा का यानी कि सिकारा उत्सव इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी सही होगा भारत व किस देश के बीच में 10 नवंबर को टू प्लस टू वार्ता यानी कि टू प्लस टू वार्ता का जो कॉन्सेप्ट है ये भारत और जापान के बीच में 2014 से प्रारंभ किया गया और इसी क्रम में अब अमेरिका और भारत के बीच भी टू प्लस टू वार्ता होती है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी टू प्लस टू वार्ता होती है तो यहाँ पर अगर शुरुआत को देखा जाए तो जापान के साथ में दो से शुरुआत मानी जाती है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका भारत का और अमेरिका के बीच में दस नवंबर को टू टू वार्ता हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हाल ही में पंच में पंचकुला पर वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है या किसने किया है इसका उद्घाटन अमित शाह ने किया सर्बानंद सोनोवाल ने किया बनवारी लाल पुरोहित ने किया या फिर राजनाथ सिंह ने किया तो ध्यान रखेंगे चंडीगढ़ में सॉरी पंचकुला में जो कि हरियाणा में पड़ता है वहां पर आठवें आयुर्वेद पर वैश्विक आठवीं संगोष्ठी का आयोजन सर्बानंद सोनोवल जी के द्वारा किया गया था किसके सर्बानंद सोनोवल जी के द्वारा ये किया गया है हाल ही में विश्व पशु कल्याण पर तैतीसवें सम्मेलन की मेजबानी ये मेजबानी है किस शहर में की गई है ना पशुओं को लेकर जो ये सम्मेलन हुआ कॉन्फ्रेंस हुआ ना रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया विल बी द थर्टी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ एनिमल वेलफेयर होस्टेड नई दिल्ली ने इसको होस्ट किया कलकत्ता ने मुंबई ने या फिर जयपुर ने तो ध्यान रखेंगे ये जो अभी हुआ है ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा है ना तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं जो महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंसेज हैं ऑलरेडी मैं आपको ये करा चुका हूँ है ना Uh, आपकी जो डाइली डेली लाइव क्लासेस चलती है सुबह छः बजे हम करंट अफेयर्स की डेली लाइव क्लास पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको विशेष फोकस करना चाहिए क्योंकि हम डिटेल में चीज़ों को वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं है ना आपके सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं लगभग बीस uh, तीस चालीस पचास तक का वेटेज लेके आ रहा है करंट अफेयर्स चलिए हाल ही में चौदह नवंबर से सत्ताईस नवंबर तक बयालीसवे अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो था ये बयालीस वर्ष का संस्करण था इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है वही ऑप्शन नंबर ए सही होगा नई दिल्ली प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया है है ना तो वहाँ पर आप याद रखेंगे इस चीज को ये प्रतिवर्ष होने वाला एक ट्रेड फेयर है व्यापार मेला है जबकि अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट या हस्तशिल्प ले आ, मेले का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष जो कि फरीदाबाद हरियाणा में जिसको सूरज कुंड मेले के नाम से भी हम जानते हैं 16 से 17 नवंबर के बीच में आशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ वेयर विल देंथ आशियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन सिक्सटीन एंड सेवन नवंबर ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया में जकार्ता में थाईलैंड में या फिर वियतनाम में तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जो इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी है वैसे तो आज देखा जाए तो इंडोनेशिया की नई राजधानी नुस्तारा है जकार्ता जो है ये पहली राजधानी है हालांकि इसको अभी भी राजधानी बनाए हुए है और जकार्ता जो है ये एक तरीका से देखा जाए तो जैसे अभी आ, डूबने की कगार पर है है ना तो उसके चलते नुस्तारा को नई राजधानी स्थापित किया गया स्टैब्लिश किया गया लेकिन फिर भी इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया और जकार्ता अगर शहर का नाम आ जाए तो जकार्ता आप याद रखेंगे और हमारे भारत के प्रतिनिधित्व वहाँ पर कौन गए थे तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह ने वहाँ पर प्रतिभाग किया है भारत का प्रतिनिधित्व किया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कलिंग साहित्य महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन उड़ीसा में होगा तो अभी कलिंग साहित्य जो संस्करण है है ना इसका संस्करण का जो आयोजन होगा ये वे, 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 या फिर आठवें तो यहाँ पर दसवें संस्करण का आयोजन किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नाइन का क्या हो जाएगा बी सही होगा 16 से 29 नंबर के बीच में आयोजित मित्र शक्ति के नौवे संस्करण का आयोजन भारत व किस देश के मध्य पुणे में आयोजित किया जाएगा ये पुणे में होना है भाई तो ये 16 से उनतीस नवंबर के बीच श्रीलंका है नेपाल है भूटान है चाइना है तो ऑप्शन नंबर ए सही रखेंगे है ना ए सही होगा मित्र शक्ति हम श्रीलंका के साथ में करते हैं संप्रीति हम बांग्लादेश के साथ में करते हैं सूर्य किरण हम नेपाल के साथ में करते हैं हैंड इन हैंड हम चाइना के साथ में करते हैं हालांकि अभी नहीं हो रहा है वो बात अलग है लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है नोवे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ ये आपका महाराष्ट्र में दिल्ली में हरियाणा में या फिर तमिलनाडु में तो ये नोवे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जो सेलिब्रेशंस हैं ये आपका हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा चलिए हाल ही में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा है ना साउथ शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी करेगा ये कौन सा देश करेगा विज कंट्री विल बी होस्ट द सेकेंड वर्स ऑफ ग्लोबल साउथ सम्बिट रिसेंटली भारत अमेरिका जापान या फिर इंडोनेशिया तो ध्यान रखेंगे इसकी जो मेज़बानी करेगा ये भारत के द्वारा ही की जाएगी है ना भारत के द्वारा ही मेज़बानी की जाएगी वही ध्यान रखेंगे चलिए हाल ही में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस के दूसरे संस्करण की मेजबानी किस शहर में की जाएगी या की है इसको टिक करना important पर, तो पर UAE में जो शहर है वहां पर इसका आयोजन किया गया है भाई तो ऑप्शन नंबर आपका थर्टीन का क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा बातें क्लियर चलिए नेक्स्ट हाल ही में कहा पर दो हजार सैतालीस एयरोपेस एंड एविएशन व्यसक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है वेयर हैज़ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंट सेवेंटी एंड एविएशन भी ऑर्गेनाइज रिसेंटली नई दिल्ली बेंगलुरु कलकत्ता या फिर मशहूर तो इसका जो आयोजन हुआ ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है चलिए नेक्स्ट है बीस नवंबर को भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच में टू प्लस टू वार्ता का आयोजन कहाँ किया जाएगा सिडनी नई दिल्ली कैनबरा या फिर देहरादून आपको मैंने बताया था तीन देश के साथ अभी हम टू प्लस टू वार्ता कर रहे हैं जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अभी दस नवंबर में हमने अमेरिका के साथ में किया था और यहाँ पर बीस नवंबर की अगर हम बात करते हैं पंद्रह से बीस के बीच में नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के बीच ये वहां पर हमने वार्ता की जिसमें रक्षा और व्यापार को लेकर हमने समझौता भी किया था नेक्स्ट है वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ चार ऑप्शन है अहमदाबाद नागपुर पुणे और दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया है और यहाँ पर अंतरदेशीय मछली उत्पादन में जो अग्रणीय राज्य रहा ये यूपी को पहले स्थान पर या शीर्ष स्थान पर रखा गया है और इक्कीस नवंबर में हम क्या मनाते हैं मत्स्य पालन दिवस या मत्स्य दिवस के रूप में मनाया जाता है बातें क्लियर चलिए ध्यान रखेंगे अखिल भारतीय संताली लेखक संघ के छत्तीसवें वार्षिक उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ वेयर वाज द थर्टी सिक्स एनुअल फेस्टिवल ऑफ द ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइज ये उड़ीसा में झारखंड में छत्तीसगढ़ में या फिर आपका Uh, आंध्र प्रदेश में सही आंसर ए सही होगा उड़ीसा जो कि भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है चलिए हाल ही में इक्कीस से बाईस नवंबर दो के बीच में पश्चिम बंगाल में कहां पर ग्लोबल बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन किया जाएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट हुई उससे पहले यूपी में इन्वेस्टर समिट हुई थी वहीं पर बंगाल भी इसी क्रम में है तो बंगाल के कलकत्ता जो सिटी है कलकत्ता जो कैपिटल है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया बंगाल ग्लोबल समिट का चलिए हाल ही में भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य अंतर्राष्ट्रीय मार्ट के ग्यारहवें संस्करण की मेज़बानी की है यानी कि पूर्वोत्तर भारत के जो हमारे आठ राज्य हैं वहां पर इनमें से एक राज्य पर ग्यारहवें संस्करण का पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर होता है मेघालय में इसका आयोजन किया गया है जो कि मेघालय की राजधानी है शिलोंग चलिए हाल ही में भारत नार्डिक बाल्टिक बिजनेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया नई दिल्ली लंदन न्यूयॉर्क या फिर नार्वे तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है चलिए भाई हाल ही में 10 से 17 दिसंबर के बीच में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा रिसेंटली वेयर विल द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी ऑर्गेनाइज फ्रॉम द टेंथ एंड सेवनटींथ डिपसंबर तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में पहला इसका आयोजन किया जाएगा अगर खेलो इंडिया के पहले संस्करण की मैं बात करता हूँ तो उसका आयोजन भी आपका नई दिल्ली में ही हुआ था ठीक है चलिए हाल ही में निम्नवे से किस देश की राजधानी में आशियान भारत श्री अन्य उत्सव का आयोजन हुआ तो ये जकार्ता में भारत श्री या आसियान श्री भारत अन उत्सव का आयोजन किया गया है ठीक है हाल ही में नई दिल्ली में डिजिटल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपो का उद्घाटन किया गया हु हैज रिसेंटली इनोग्रेटेड द डिजिटल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपो इन इंडिया राजनाथ सिंह हैं निर्मला सीतारमन हैं अनुराग ठाकुर हैं या फिर इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा निर्मला सीतारमन जी ने इसका उद्घाटन है किया है चलिए हाल ही में वैश्विक पेशेवर लेखा सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ गांधीनगर अहमदाबाद बेंगलुरु या फिर चेन्नई सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है चलिए तीस नवंबर बारह तीस नवंबर से बारह दिसंबर के बीच में होने वाली जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसको हम कोप कहते हैं कोप ट्वेंटी एट ट्वेंटी सेवन अल सर्म अल इसका आयोजन किया गया था जबकि कोप ट्वेंटी एट का आयोजन कहाँ पर हो रहा है यू में ट्वेंटी सेवन कहाँ पर सरम अल मिश्र तो इस पर भारत के जो प्रतिनिधित्व हैं ये कौन होंगे ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिनिधित्व करेंगे हाल ही में वाराणसी में आयोजित होने वाले देव दीपाली महोत्सव में कितने देशों के हेड ऑफ मिशंस प्रतिभाग करेंगे तो ये सेवनटीन देशों के हेड ऑफ मिशन जो होंगे वो प्रतिभाग करेंगे हाल ही में बिहार गया में आयोजित शिक्षाविद सम्मेलन में कितने लोग ने पहुँच कर ग्रीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो ये थ्री पॉइंट सेवन फाइव लाख करोड़ एक बार पहुँचे हैं सम्मेलन में एक टीचर्स को सुनने के लिए जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है हाल ही में पर्यटन मंत्रालय व किस मंत्रालय के द्वारा 10 दिसंबर से तीन दिवसीय विजय उत्सव कृष्णा वैणी संगीत निरंजनम का आयोजन किया जाएगा तो ये हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है वो इसका आयोजन करेगा 24 दिसंबर से 13 जनवरी तक चलने वाली अल्टीमेटम खो खो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर होगा ये सेकेंड संस्करण का जो आयोजन होगा इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा भाई तो ध्यान रखेंगे ये किया जाएगा कटक में कहाँ पर कटक में इसका आयोजन किया जाएगा तो ये था आज का आपका सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और इसी तरह का आपके लिए कंटेंट हम लाते रहेंगे तो बने रहिएगा एस एस सी मेगर टीम के साथ में ध्यान रखिएगा एस एस सी सी डी के लिए आपका जो फोजी बैच है एक तारीख से लाइव हो चुका है क्लासेज आपको डाउट सेशन के साथ में यहाँ पर लाइव दी जाएंगी पी uh, डी आपको हमारे एस एस सी एप्लीकेशंस पर मिल जाएगा भाई आपको यहाँ पर पी प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है वहीं पर आपको हमारे कोर्स से संबंधित जानकारी वहाँ पर मिलेगी uh, आपकी जो क्लासेस है मैथो तो रीजनिंग की क्लासेस रात आठ बजे बिल्कुल बेसिक से यूट्यूब पर चलती है सुबह छः बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है भाई ध्यान रखेंगे सुबह छः बजे शाम छः बजे आपकी एसएससी जीडी की क्लासेस होती हैं तो सभी बच्चे विशेष रूप से फोकस करना यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इंस्टाग्राम लिंक, 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 लिंक है या फेसबुक लिंक या टेलीग्राम लिंक है या ट्विटर लिंक है आपका यूट्यूब चैनल का लिंक है जिसको आपको सब्सक्राइब करना है और बेलाइकन का बटन दबाना है तो ये था आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताएंगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी प्रकार से आ, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत